कैलिन मेलो का एक बहुकुशल व्यक्ति है जो अपने उत्सुक प्रतिभा का प्रदर्शन करती है, क्योंकि वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं फिर भी वह एक महान मॉडल है और उन्होंने एमटीवी इंडिया पर विजय के रूप में काम किया है। 2013 में उन्हें सुंदा वक के साथ एमटीवी विजय हंट जीता। उसी वर्ष वह बॉलीवुड की पहली फिल्म नौटंकी की शाला में दिखाई दी, जिसका निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया था। साथ ही वह WWE नॉर्थ इंडिया में होस्ट के तौर पर काम कर रही है। गैलिना मेडोका का जन्म और पालन पोषण अलोमा मुंबई भारत में हुआ था, जहाँ उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने मल्हार में स्ट्रीट डांस प्रतियोगिता में भी जीती है, जहाँ उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक भाग लिया है। 2013 में मेडोका ने अपने पेशावर करियर की शुरुआत की बॉलीवुड की पहली फिल्म नौटंकी शाला से की, जिसका निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया था। फिल्म में उन्होंने भारतीय गायक सह अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ काम किया है। इससे पहले वह एक मॉडल के रूप में काम करती थी और कई प्रतिष्ठा ब्रांडों के लिए काम कर चुकी है। साथ ही वह लैक्मे इंडिया फैशन वीक समेत कई मशहूर ब्रांड के लिए रैप वर्क कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने फिर एक नया मोड लिया और NDTV गुड टाइम के साथ कूल कोशियर नाम के शो में होस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह विजय के रूप में NTV बैंडवैगन नामक एक अन्य शो में चली गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्रिकेट विश्व कप 2011 सहित कुछ शो की मेजबानी की है। इसके अलावा उन्होंने हसल नामक शो की मेजबानी की है, जो 2019 में रैप सिंगिंग रियलिटी शो है। 2013 में गैलिना मेडोक ने स्ट्रीट डांस प्रतियोगिता जीती, जो मलाड में आयोजित की गई थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक वहाँ भाग लिया है।